हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है बिहार पुलिस की तरफ से SI यानी कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ सीट पे ये वैकेंसी आ रही है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। तो अगर आप भी बिहार पुलिस SI के रिगार्डिंग इतने समय से वेट कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ एग्जाम की पैटर्न, फिजिकल एंड सैलरी वगैरह सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया फ्रेंड्स, बिहार दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आने वाली है। फॉर्म की फी की बात करें तो जनरल BC, EBC एंड EWS से 700 रुपीज लिया जाएगा, SC ST से लिया जाएगा 400 रुपीज। एज लिमिट की अगर बात करें तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 जनवरी 2023। मेल का होना चाहिए मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स एज की लिमिट रहती है। रिलैक्सेशन भी मिलता है, BC एंड EBC को 3 ईयर्स का एंड SC ST को मिलेगा 5 ईयर्स का। क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है, जो भी ग्रेजुएट जो कैंडिडेट है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया है, आप एलिजिबल रहने वाले हो। डजंट मैटर कि आपका क्या परसेंटेज है, कौन सा स्ट्रीम है, सिंपली ग्रेजुएट पीपल विल अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम, तो वो क्वालिफाइंग होगा। फिर आपको क्वालिफाई करना होगा मेंस का एग्जाम, देन होगा आपका फिजिकल, एंड लास्टली आपका मेडिकल प्लस DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर पे हम लोग आएंगे बाद में, चलिए पहले हम लोग एग्जाम की पैटर्न को समझ लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपका प्री का पेपर होगा तो उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए, टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स का। निगेटिव मार्किंग भी होगा, 0.2 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। सब्जेक्ट वाइज अगर बात की जाए तो प्री में सिर्फ आपका जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, तो प्री क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको क्वालिफाई कर लेते हो आप तो उसके बाद आपका मेंस का पेपर होगा। तो मेंस का पेपर होता है आपका 2 सेक्शन में। फर्स्ट होता है आपका जनरल हिंदी के 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, टाइम मिलेंगे 2 आवर्स के। देन आपका होगा सेकेंड सेक्शन में GK, GS एंड मैथ्स के ओवरऑल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए, एंड इसका भी टाइम आपको मिलता है 2 आवर्स का। तो जब आप मेंस क्वालिफाई करोगे तो क्या होगा, फिर होगा आपका फिजिकल। तो चलिए मैं फिजिकल का क्राइटेरिया आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेल एंड फीमेल का क्या सब यहाँ पे फिजिकल का क्राइटेरिया, क्या डिमांड है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। हाइट वाइज अगर बात की जाए तो मेल के लिए जनरल EBC का आपको 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है, SC ST का 160 सेंटीमीटर है। फीमेल्स के लिए ओवरऑल एक ही आपको लिमिट रखा गया, मिनिमम 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। चेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। जनरल BC EBC का 81-86 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, और SC ST का 79-84 सेंटीमीटर। उसके बाद फ्रेंड्स आपका होता है रनिंग, तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट्स के लिए होता है। फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होती है, 6 मिनट में उनको कंप्लीट करना होता है। तब जाके होगा आपका हाई जंप मेल के लिए 4 फीट का एंड फीमेल्स के लिए 3 फीट का। उसके बाद फ्रेंड्स होगा आपका लॉन्ग जंप, मेल के लिए 12 फीट का होगा और फीमेल के लिए आपका 9 फीट का रहेगा। उसके बाद लास्टली होता है आपका गोला फेंक, 16 पाउंड का गोला है, मेल कैंडिडेट्स को भेज उसको फेंकना है 16 फीट, फीमेल्स के लिए आपको 12 पाउंड का गोला है, 10 फीट आपको फेंकना रहेगा।
सो आई होप कि ओवरऑल आपको एग्जाम की पैटर्न एंड फिजिकल क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा. उसके बाद सिंपली आपका मेडिकल होगा एंड डीवी होगा, तब जाके आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी. जी हाँ, मैं समझ रही हूँ आपका ये क्वेश्चन होगा कि एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा. तो आपका जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स, चूंकि ये बिहार का जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है पेपर, तो आपको अगर आप कहीं से भी अप्लाई करते हो, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, यूपी, आप सभी को बिहार आके एग्जाम देना होगा. ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर होगा. और ये भी आप समझ रहे होंगे कि बिहार पुलिस में एसआई की जॉब है, तो बिहार स्टेट के अंदर ये डिफरेंट आपको डिस्ट्रिक्ट्स में आपका यहाँ पे एलोकेशन हो सकता है. तो चलिए हम लोग इनिशियल इन हैंड सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं. आपको जो सैलरी मिलता है इनिशियली 35,400 रुपीस की, एंड आफ्टर इंक्रीमेंट्स एंड पर्क्स एंड अलाउंसेस आपकी सैलरी हो जाएगी 1,12,400 रुपीस. तो इनिशियली जो है आपको 35,400 बताया गया, इतना कम सैलरी नहीं मिलता है. एसआई की पोस्ट है, तो नॉर्मली कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो उसमें अच्छी खासी सैलरी होती है. तो उसी तरह से एसआई की पोस्ट पे आफ्टर ज्वाइनिंग आपको 45,000 टू 50,000 के बीच में ही पर मंथ की सैलरी मिलती है. तो सैलरी भी अच्छा है. तो अब हम लोग देख लेते कि कितना सीट पे वैकेंसी आ रही है जिसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हुआ है, कब तक ये फॉर्म आ सकता है. तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. टोटल पोस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 1,275 रखा गया है. आई नो कि ये सीट आपको थोड़ा कम लग रहा है, बट अभी के सिचुएशन में अगर आपको एक सीट से मतलब है तो 1200 हो या 200 हो, फॉर्म अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर अप्लाई करो. अगर आपके अंदर इलिजिबिलिटी है तो आप जरूर ट्राई करो कि एक सीट आपको मिल जाए. तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट क्या है, फॉर्म कब आने वाला है. तो ये फॉर्म जो आपका स्टार्ट होगा अक्टूबर टू नवंबर 2023 के बीच में आ जाएगा. और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स होते बोलते अपने मन से, ऐसा कुछ नहीं है. आप जाके बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना. 13th of September मतलब 13 सितंबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया. बहुत सारी वीडियोस भी बिहार पुलिस की तरफ से आई जिसमें बताया गया कि ये फॉर्म आपका 1,275 सीट के लिए बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है. तो घबराना नहीं है, तैयारी की स्पीड को बूस्ट कर देना है ताकि जैसे ही फॉर्म आए अप्लाई करो, उसके जस्ट बाद एग्जाम हो तो आप क्वालिफाई कर जाओ. सो आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल बताया है बिहार पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे. और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो हेजिटेशन किस बात की, कमेंट सेक्शन में आके पूछो. अदरवाइज फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, सबका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो. और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं जॉब से रिलेटेड, मैं सभी अपने टेलीग्राम ग्रुप में ना पोस्ट करते रहती हूँ, तो वहाँ पे तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना. और मेरी वीडियोस को भी प्लीज़ एक लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए. तो मिलूंगी आपसे फिर से ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर.